मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी कमर कस ली है। वहीं कांग्रेस से एक के बाद एक विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, जिसके कारण बयानबाजी और सियासी रस्साकशी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस के विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में सूबे के गृह मंत्री और बीजेपी के संकट मोचक नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर अपने ही विधायकों को भ्रम में रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस विधायकों को भ्रम में रखने की शपथ दिलाई जा रही है। गृह मंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, कमलनाथ जी पर कांग्रेस के विधायकों का कभी भरोसा नहीं रहा। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं और अब भी नहीं। उनकी पार्टी टूट रही है तो शपथ की बात इसलिए कह रहे हैं ताकि विधायक भ्रम में रहे, लेकिन अब कोई भ्रम में रहने को तैयार नहीं। आपको बता दें कि महज 10 दिन के अंदर कांग्रेस के दो विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद रविवार रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कांग्रेस विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी रहने की चिंता विधायक दल की बैठक में साफ तौर पर नजर आया था। विधायकों का कहना था कि जिसे पार्टी छोड़नी है उसे कोई रोक नहीं सकता, वह अपने परिवार की भी नहीं सुनेगा तो हमारी क्या मजाल। कांग्रेस नेताओं के बार बार पार्टी से 24 विधायकों के टूटने का दर्द सामने आने पर पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने बैठक में मौजूद सभी विधायकों से शपथ लेने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद कमलनाथ की मौजूदगी में उपस्थित सभी 85 विधायकों ने शपथ ली कि अब पार्टी से आगे कोई भी नहीं टूटेगा और पूरी शिद्दत से कांग्रेस सरकार की वापसी में एकजुटता से लगेंगे। कांग्रेस में विधायकों की शपथ दिलाने की बात को लेकर बीजेपी संकट मोचक ने सियासी रंग देते हुए सीधे कमलनाथ पर वार किया, जिसके बाद प्रदेश की सियासत और भी गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर दौरे के दौरान बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है और कांग्रेस पर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी चाहें तो भी नहीं संभाल पाएंगे। उपचुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा लगातार ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है। वह हर रविवार को उस इलाके में जाते हैं और स्थानीय नेताओं के साथ चर्चा करते हैं। बहरहाल कांग्रेस विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी रहने की चिंता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चेहरे पर दिखने लगी है, जिसका बीजेपी उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।